नमस्कार साथियों, सुप्रभात सभी को। दोस्तों, टेंडर आया मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मल्टी प्रोडक्ट एक नया अपडेट लेकर आया है, जिसमें हम लोग इंस्टेंट पिन जनरेट अब कर पाएंगे। ICICI वर्चुअल अकाउंट में पेमेंट करने के बाद हम लोग को टेंडर यह सुविधा उपलब्ध कराएगी, मल्टी प्रोडक्ट यह सुविधा हम लोग को उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, आज हम आप सबके सामने मोबाइल स्क्रीन पर ही सारा प्रोसेस करके दिखाएंगे, तो अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये मेरा अकाउंट है मल्टी प्रोडक्ट में, और यहीं से हम आपको इंस्टेंट पिन जनरेट किया हूँ, वो सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा लाइव। साथियों, सबसे पहले ICICI का वर्चुअल अकाउंट हम लोग को फ़ोन बैंकिंग या नेट बैंकिंग में जाकर NEFT के माध्यम से उसको पहले ऐड करना रहता है बेनिफिशियरी। पहले हम लोग ऐड करते हैं और कंपनी में हम लोग पेमेंट करते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद कुछ ही देर में कंपनी जो है आपके ई वैलेट में, ई पिन जनरेशन का न्यू वैलेट एक कंपनी बनाई है, जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, कंपनी के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया है कि इंस्टेंट पिन जनरेट करना है तो नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग से डिपॉजिट ICICI बैंक वर्चुअल अकाउंट में करना है। इसके बाद हम लोग को वैलेट में पैसा आ जाता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग अपना ID को लॉगिन करके और ई पिन जनरेट, नीचे से सेकेंड ऊपर ऑप्शन में हम लोग जाते हैं दोस्तों, ई पिन जनरेट में। ई पिन जनरेट में जाने के बाद हम लोगों का ई पिन जनरेट में हम लोग जब जाते हैं दोस्तों, तो ये देखिए स्क्रीन, इसमें हम लोग को जनरेट ई पिन फ्रॉम ई पिन वैलेट ये विंडो खुलता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, जितना अमाउंट है 499 का अमाउंट है तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद जितना पिन जनरेट करना है वो सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, और हम लोग को वैलेट में बैलेंस यहाँ पर दिखाते रहता है जितना हम लोग पेमेंट किए हुए रहते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग जनरेट पिन पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हम लोग का जितना का पिन, जैसे मैंने आज एक अप्लाई किया था पेमेंट करने के बाद, तो एक पिन का यहाँ पे नीचे मेरा आ चुका है, जिसको मैं अभी रिचार्ज करूँगा। उसके बाद दोस्तों, पहले जैसा ही सारा फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है, हम लोग फिर अपग्रेड पिन में जाते हैं, और अपग्रेड पिन में जाने के बाद दोस्तों यूज इट पर हम लोग क्लिक करते हैं। यूज इट पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी ID होगा दोस्तों, जैसे हमको करना है दोस्तों सूरज विश्वकर्मा का करना है, तो हम लोग सूरज विश्वकर्मा का नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे दोस्तों, और बगल में क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे उसका नाम दिखाएगा। नाम दिखा देने के बाद हम लोग अपग्रेड ID पे क्लिक कर देते हैं, और इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों उनका देखिए सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब हम लोग डैशबोर्ड में जा कर देखेंगे दोस्तों, तो हम लोग का यहाँ पर सारा चीज़ दिखेगा। ई पिन में मेरा पैसा कट गया है दोस्तों, चूँकि हमने यूज कर लिया है पैसे को। देखिए दोस्तों, ये जो नया जो वैलेट जोड़ा गया है, ये देखिए ई पिन वैलेट, जीरो अमाउंट मेरा दिखा रहा है दोस्तों, ये अभी नया कंपनी के द्वारा जोड़ा गया है। साथियों, मेरे चैनल को लाइक फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मैं आप लोगों को और नए नए अपडेट बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। और यदि कोई बात हो दोस्तों, तो हम कमेंट करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी जल्दी हो आप लोग को नया नया अपडेट देता रहूँ। हाँ, ओके, धन्यवाद दोस्तों।